बिल्कुल अभी ली भाई साहब डेढ़ की पूरी। नमस्कार भाई साहब, देख रहे हैं बाजार में विनोद गिरी और मैं विनोद गिरी आज पहुंचा हूं पारसी के बाजार में। इस समय गाड़ी भी लद के जा रही है पैसों की। नाम है चैनल का तो पारसी के बाजार में भैंस और गाय दोनों जाती हैं एक से एक। तो पारसी के बाजार में इस मौसम में बहुत जबरदस्त भीड़ है, जैसे कि पहले भी आपने वीडियो में देखा होगा। और बाजार के अंदर चलेंगे, कुछ की जानकारी करेंगे। जो भी भाई चैनल पर नया जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें। ये पारसी के बाजार में एक से एक भैंस आती है। देखिएगा एक व्यापारी भाई झोटी लेकर पूरी सजा धजा के लेकर और झोटी है भी सजाने के लायक, बहुत ही अच्छी झोटी है, बिल्कुल छोटा रिंग सिंग और बहुत ही अच्छी है। बिल्कुल बाहर खुले में करके दिखा रहे हैं, बाजार के अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं है, बहुत जबरदस्त भीड़ है। जो भी भाई चैनल पर नया जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें। देखिएगा झोटी का साइज बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल शरीर की बनावट कोई जवाब नहीं, झोटी का बिल्कुल बनी ठनी है। और बात नीचे की करें तो भी बिल्कुल क्या बने भाई भी ये भैंस जो है क्या बने। और देखिएगा कितनी अच्छी जड़ निकाल ली है, लेके पीछे सांचे से लेके और आगे सूंड तक की जड़ की इसकी क्षमता है। और अभी बातचीत करेंगे भाइयों से इसकी कीमतों की। बिल्कुल बेहतरीन वाली झोटी है, बिल्कुल ले चल रस्सी भी। जो भी भाई चैनल पर नया जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। और वीडियो के बीच में मंडी मालिकों के नंबर मिलेंगे जिनसे आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। भाई भाई जो झोटी दिखाई है हमने ये एक ही व्यापारी की भाई है, भैंसे हैं, कई सारी भैंस लेके आए हैं, बड़ी बेहतरीन भैंसे हैं। अभी इनके मालिकों से बातचीत करेंगे। जो सामने भैंस बन रही है ये भी दिखे तो देखेगा भैंस का साइज बहुत ही अच्छा साइज है, जी खड़े खड़े दिखा देते हैं, बहुत ही अच्छे साइज की है। और बात इसकी जड़ की करें तो देखेगा आप जड़ पूरी लंबेट की जड़ है, जो बाजार में हर व्यापारी देखते हैं। अभी बातचीत करेंगे इसके भी, बिल्कुल ताजी भी आई हुई है। भैंस का साइज इसका भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल शरीर की बड़ी ठंडी है। जो ये वाली क्या बन वाली, अभी बातचीत करते हैं इनके चल के। यूएनएस का बच्चा, ये इसका बच्चा देखेगा सूंड लटका हुआ, बिल्कुल कल का ब्याह भैंस है। क्या हाल है भैया जी, एक बार अपना नाम बता दो। मेरा नई नाम है जी हकीम जी। हकीम जी, हकीम जी नाम क्या हो या दवाई भी देते हो हकीम वाले? बदनाम ही है, मैं सोच रहा कभी दवाई भी दे देते हो हकीम हो। और कहाँ के रहने वाले हो? शामली के। ये जो अभी भाई ने भैंस दिखाई है घुमा के वाली झोटी क्या बन, इसके कितने दिन रह रहे भी आने के? 20 दिन है, तो 20 दिन में तो बहुत बढ़िया जड़ बनाओगी। और कौन सा ब्याज बताया इसका? इसका दूसरे ब्याज में। दूसरे ब्याज में, अच्छा पहले ब्याज में तुम्हारे पास थे, खरीद के लाए थे? नहीं जी, खरीद के लाए थे। अच्छा जैसे जिनसे खरीद के लाए हो मालिकों से, उन्होंने पहले ब्याज का कितना दूध बताया? उन्होंने 15 किलो दूध बताया पहले ब्याज का। तो इतना दूध तो वैसे दे देंगे आराम से। और आपके ब्याज में कुछ बढ़ने की उम्मीद है इसकी? बढ़ेगी तो चाहे 1-2 किलो दे। और इसकी क्या कीमत मांग रहे जी? 2.25 मांग रहे जी। 2.25। और ये जो बताया कीमत, फिक्स है कुछ कम भी होंगे? नहीं फिक्स है जी, 2005 है, 2-4 हजार। दो चार हजार में 10-15 हजार हो सके? हाँ जी, हो सके। तो इसकी लास्ट कीमत कहाँ तक की दे जाओगे? 2-10 की देकर जाओगे। और ये जो दूसरी भैंस है, ये ताजी भाई जो कल की भाई है तुम्हारी, इसके भी 2-10 है जी। इसके भी 2-10 है, इसमें कितने छूटेंगे? इसमें भी 10-5 ही छूटेंगे। 10-5 ही छूटेंगे, मतलब ये तो 2-10 नीचे आ जाएगी फिर तो? हो जाएगा कम बढ़ती ना, खड़ी देख ले कोई बात नहीं, गर्मी हो रही है। और कितनी भैंस लाए थे आज? 6 लाए थे जी। और भी किस? 4 भी किस का, मतलब इनका मोल ज्यादा है या नूनी भी के? नहीं जी, ये बढ़िया ज्यादा है, ये ज्यादा बढ़िया, तो इसलिए महंगी है। महंगी है जी, हल्के रेट कितने बिकते हैं? अच्छा तो घर से भी बेचते हो? हाँ जी, घर से बेचते सब सकते हो। ये देखेगा व्यापारी किस तरह से इन भैंसों को सोनी सुतरी कर देते हैं, पूरी तेल की बोतल ले रहा है और पूरी
पूरी रगड़न बन रहा वो पूरी भैंस पर पूरे तेल लगा कर सजा दी है। और जैसे भैंसों की खरीद फरोख्त होती है बिल्कुल ये एकदम सौदा चल रहा है, पैसों की गिनती चल रही है। ये इन भाइयों ने भैंस अपनी बेची है बिल्कुल, कितनी अच्छी भैंस। ले चलिए लग गया तेल, निमट गया तेल लग गया। ले चलिए अगर पूरी भैंस तैयार कर दिया है, पूरी रगड़ गया, अभी से भी चलवा के दिखाते हैं। और भैंस का साइज बहुत अच्छा है, अच्छे लंबे ऊंचे साइज की है और वैसे भी पली पली बढ़िया है और जड़ बिल्कुल ठोस जड़ है बिल्कुल। हम जो है भैंसों को बाहरों को छीड़ में ले चल बच्चे पे ले चलिए ना जा रही बिल्कुल छीड़ में खुलवा के दिखा रहे। बांध दे अपनी भैंस को भाई, भैंस का जो जड़ जो है बिल्कुल ठोस है, बिल्कुल ठुकावा अजड़ है। अभी बातचीत करेंगे इसकी भी कीमतों की। बांध दे भैया ले यार, यो भी तुम्हारी है ना। देखेगा भैंस को वैसे भी पूरी शौक से लेकर आया, पूरी सैंपल एम्पल पर आ गए और भैंस का साइज बहुत अच्छा, सींग थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इसके शरीर पे जच रहा है। आया भाई देखेगा व्यापारी जुआन लौंडा हो गया, अभी बैठ गया थका पड़ा है। क्या नाम है भैया? फरमान। कहाँ के रहने वाले? टपराना। ये जो भैंस है जो घुमा के दिखाई कौन से प्रांत में? तीसरे ब्यारी। और आज कितने दिन की ब्याई हो रही? आज 4 दिन की। अब कितना दूध होगा इसमें 4 दिन की में? अब 14 किलो। 14 किलो हो रहा? हाँ। यह हवा में ही नहीं है ही। और कितना दे देगी वैसे? 17 किलो दूध दे देगी। 17 किलो दे देगी। और क्या कीमत मांग रखी भैया? 140। 140। तो ये जो 140 बताए हैं फिक्स है, कुछ कम भी होंगे? कम ना हुए? ये सौदेबाजी के अलग रख रखे बाजार में है। कितने रख रखे सौदेबाजी के? 1000-2000। 1000-2000 40 में आ गया ना लैंड पागो, तो मतलब 1000-2000 में 31 की हो जाएगी। हाँ। हो जाएगी। और ये दूसरी भी तुम्हारी है? ये कौन से प्रांत में? दूसरे में। और ये कितने दिन की ब्याई हो रही है? 2 दिन की। देखिएगा बिल्कुल ताजी भैंस भी आई हुई है। ये रहा बच्चे का, इसका ये भी सूंड लटक रहा है, इसे अभी पीछे से दिखा देते हैं, खड़ी खड़ी ऐसे ही दिखा देंगे। तो इसकी कितनी कीमत है? इसके 55। ये तो उससे और थोड़ी सी ब्यांत में वैसी लग रही बुढ़िया सी। ये दूसरे ब्यांत की है, कीमत इसकी बढ़ा दी। इसमें कितने कम होंगे? 150 फिक्स है, इसमें 5000 कम होंगे। और जैसा भी टाइम भी अच्छा खासा हो रहा है, कीमत लगी? हाँ लग रही है। तो कितनी लगी बता? क्यों ना बताने के, यहाँ का ग्राहक खड़ा कोई बता दे। 1 लाख तो लगे होंगे ना, 2000 लगे होंगे, बताने में क्या जा रहा है? नहीं बताने का बिल्कुल भी भाई, क्यों ग्राहक खड़ा हो पास में तो जब तक मान लेंगे नहीं बता रहे। अब क्या शर्म आ रही? नहीं खोल लेंगे। ठीक है भैया मत खोलो। देखेगा बाजार में व्यापारी भाई खोलते नहीं है, कभी दूसरा ग्राहक सुन ले। और ये पारसी के बाजार में एक से एक ऊपर वाली भैंस आई है, ये जो जिसके 55 बताए हैं इसे भी पीछे से दिखा देते हैं। कीमत कोई कुछ भी मांग ले, इसमें अड़ कम है, बस शरीर की बनी हुई अच्छी है, लेकिन इसकी कीमत ना व्यापारी ने बहुत ज़्यादा बताई है। दिखा देता हूँ इस तरह से पारसी के बाजार में बहुत ही एक से एक जबरदस्त भैंस आई है, एक से शानदार भैंस आई है। क्या बने ना? एक और भाई सामने भैंस ले रहा है, थोड़ी मीडियम साइज में है, मीडियम साइज में क्या बन भैंस है, अभी भी आने वाली। और भैंस जो है जड़ जो है बहुत ही अच्छी बना रही है, बहुत ही बेहतरीन जड़ बना रही है भैंस, मीडियम साइज में है। ले भैया बांध ले, अभी बातचीत करते हैं इसकी भी कीमतों की। एक बार फिर कहता हूँ, जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब लाइक जरूर कर लें। हमारे चैनल पे इस तरह की हर बाजार की हर पशु मंडी की वीडियो आती रहती हैं। अच्छा भैया कीमत कौन सा था? क्या हाल है भैया? बढ़िया भैया। क्या नाम है? फरमान जी। कहाँ के रहने वाले हो? शिकारपुर। शिकारपुर कौन से शिकारपुर के? जिला मुजफ्फरनगर। अच्छा जिला मुजफ्फरनगर, मका कदी चूतिया वाले शिकारपुर के हो, उसके ना हो। अच्छा ये जो भैंस दिखाई है भाई ने घुमा के, इसके कितने दिन रह रहे भैया ब्याने के? इसका अभी 1 हफ्ता रह रहा है। अभी 1 हफ्ता रह रहा, तो 1 हफ्ते में तो बढ़िया जड़ बना देगी। और इसका ब्याज कौन सा? तीसरा ब्याज में है जी। तीसरे ब्याज में, तो ये दूसरे ब्याज में तुम्हारे पास थे, खरीद के लाए थे? खरीद के लाए जी। मालिक कितना दूध बताया था, कितना निकाला? 16 किलो। 16 किलो तो दे देगी? 16 किलो हाँ जी, ज्यादा देगी आपको? ज्यादा दे देगी उम्मीद। और इसकी क्या कीमत मांग रखी भैया? 1,25,000। 1,25,000। तो ये फिक्स है, कुछ कम भी होंगे?
फिक्स है जी। फिक्स है क्यों? बाजार में सौदेबाजी क्या लग रखा है? नहीं बढ़िया भैंस है बहुत ना, भैंस तो बढ़िया है, सौदेबाजी का लग रखा है। फिक्स 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 बताए सौदेबाजी वाले सौदेवाड़े। अच्छा सर, जब सौदे वाले आओगे तो उनसे सौदे के बताओगे? आपको तो फिक्स ही बताओ, हमें फिक्स ही बताओगे। ठीक है भैया जी। देखिएगा इसी तरह से पारसी के बाजार में बहुत एक से एक शानदार भैंस आई हुई है। रोक लिया भैया? नहीं नहीं बनता। देखिएगा एक एक से एक बढ़िया बढ़िया भैंस आई हुई है। ये वाली किसके? इसका भी नहीं पता। यूट्यूब चैनल है। हाँ भैया चलो ये सब पकड़ने के ऊपर अभी बताऊँ। देखिएगा देखिएगा वो बहुत ही व्यापारी है, खुशी अलग ही है क्योंकि मौसम में घटा हो रही है, गर्मी तो होनी नहीं, तो इनके दिमाग गर्मी में। ये गाना भी सुना दे इसका। अब ये जो हम सामने भैंस दिखा रहे हैं नीली रावी भैंस है, और ये क्या बनी है ना, ये क्या बनी भैंस है, और देखिएगा नीली रावी बिल्कुल सिंग भैंस का छोटा सिंग है। एक हफ्ता भी आने का है। ले भैया ले रेगुलर बाजार में जैसे हम बताते हैं बिल्कुल भी पैर रखने की जगह नहीं है, भैंस के ऊपर भैंस हो रही है। बाजार में सभी तरह की भैंस आते हैं, बिल्कुल नीली रावी भैंस है छोटे सिंह वाले। बहुत बढ़िया जट बना रही है, अभी बातचीत करते हैं इसकी कीमतों की। आजा भैया क्या हाल है भैया? बढ़िया भैया। क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हो? खानपुर जिला शामली। शामली के। अच्छा ये जो भैंस है तुम्हारी पखाली, ये कौन से ब्यांध में भैया? दूसरे में दूसरे तो खैर ज्यादा होगी, तीसरा होगी। व्यापारी भाई जो है बाहर से हमेशा खरीद के लाते हैं, अपने अंदाजे से भैंस बताते रहते हैं। तीसरे चौथे ब्याज की भैंस जरूर है। तीसरे की होगी। और कितने दिन रह रहे भैया इसके पहन के? एक हफ्ता रह रहा, तो एक हफ्ते में तो बढ़िया जड़ बना देगी। अच्छा जैसे दिन से खरीद के लाए हो? हाँ जी खरीद। तो उसने कितना दूध बताया, कितना दूध निकाल रहा है पिछले महीनों, कितना निकाल रखा? 15 किलो बता रहा। दे देगी तुम्हारे नजर में इतना? दे देगी है इतनी गुंजाइश इसकी? और क्या कीमत मांग रखी है इसकी? कीमत 95,000। 95,000 तो ये फिक्स है, कुछ कम भी होंगे? कोई बात नहीं, ग्राहक खड़े रहने बता दे जितने कम करेगा। अभी अभी तो देख रहे हैं लोग, क्या पता ले भी ले, कोई बात नहीं। बाजार के हिसाब से करोगे? देखेगा इस समय कुछ ग्राहक भाई भी खड़े हैं, तो इसलिए भाई कम नहीं बता रहा। वैसे 15,000 रुपए का सौदा रखा है, 80,000 रुपए तक की ये भैंस को दे जाएगा, तो इसने हमें अलग से बताया था। ठीक है भैया जी। डेयरी फार्मिंग विनोद गिरी। अभी होता देखेगा एक और सामने भैंस दिखा रहे हैं, यापन भैंस है। अभी हम इस समय यापनी भैंस है मिल रही है जो हमें सामने। ले भैया ले भैंस जो भैंस मीडियम साइज की भैंस है, और सिंह थोड़ा खुला होके बड़ा होके घुमा हुआ सिंह है। बातचीत करते हैं इसकी कीमत तो क्या, कौन बताओगा कीमत? यही बताओगा? क्या हाल है छोटू? क्या हाल है? संदीप नाम है। संदीप अच्छा बहुत गुटका दाव चबा रहा है, दांत खराब हो जाएंगे। ये तो भैंस दिखा रहा, कौन सी बार भी आओगी? कौन से ब्याज में? तीसरी बार भी आओगे? और कितने दिन रह रहे ब्याने के? 15 दिन रह रहे? झूठ बोल रहा है यार, 15 तो ना रह रहे, जल्दी भी आ जाएगी। 15 दिन रह रहे? अच्छा और कितना दूध निकाल रहे हो? 15 किलो। 15 किलो और 15 दिन है बिल्कुल। क्यों कार्ड रखा था ना पिछले ब्यांत में? नहीं कार्ड रखा, खरीद के तो लाया होगा। घर की है हमारी। अच्छा घर की है। और क्या कीमत मांग रखी? 95,000। तो ये फिक्स है, कुछ कम भी होंगे? कम भी होंगे। फिक्स है ये? फिक्स है कि सौदेबाजी का अलग रख रखे बाजार में? 2,000 रुपए कम। देख पीछे तो आवाज आ रही तेरे बड़ों की, 10,000 रुपए कम बता रहे। 85,000 की है इसकी कीमत है, इतनी है ना? हाँ ऐसे बताया करो लाइन पे आके। चलो ठीक है भैया। देखिएगा जब मौके पे भैंस खरीदते हैं तो व्यापारी भाई जो है जब भी कम होते हैं इतने से कुछ से कुछ बताते रहते हैं। सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब लाइक जरूर करें।